दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं ग्रीक के, अरस्तु है ना, एरिस्टोटल के बारे में सुना होगा ना, फादर ऑफ पॉलिटी, फादर ऑफ बायोलॉजी है ना। तो उनका एक फेमस कोटेशन है शिक्षा को लेकर कि शिक्षा की जो जड़ें हैं वो कड़वी होती हैं परंतु फल मीठा देती है। ठीक है, जब आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हो तो आपको बहुत कठोर कठिनाइयाँ या फिर बहुत जो है परिश्रम करना पड़ता है, उसकी जड़ें जो हैं वो कड़वी है, लेकिन जो है बाद में आप उस परिश्रम का जो फल प्राप्त करते हो तो वो मीठा होता है ना। तो ये उनका कोटेशन है, किसका, एरिस्टोटल या अरस्तु का। तो कल की क्लास में जो है हमने पूरा पाषाण काल जो है पढ़ लिया था, स्टोन एज के बाद में जो हम पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का करेंगे। इसी के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ में जो है बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग संस्कृतियाँ विकसित हुई थी, उन संस्कृतियों को भी जो है हम साथ के साथ पढ़ते चलेंगे। तो जो अगर हम बात करें, क्योंकि इंडस वैली समय का जो समय था वो लगभग जो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जो मापा गया है वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक का मापा गया है, लेकिन इसी के साथ में जो अन्य क्षेत्रों में जो समकालीन इसकी संस्कृतियाँ थी उन संस्कृतियों की अगर बात करें तो वहाँ पर एक जो धातु मिलती है वो मिलती है हमें तांबा की, क्योंकि मानव ने जो है सबसे पहले जो यूज़ की थी धातु, जो मेटल यूज़ की थी वो कौन सी थी, कॉपर ही थी। ठीक है, और फिर बाद में जो है कॉपर के बाद ही कॉपर और टीन मिलाकर जो है कासा बना दिया जाता है, तो फिर वो सिंधु घाटी सभ्यता में हम उसको अलग से अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इनको बोला गया है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, और ये एक नहीं थी, ये अलग अलग क्षेत्रों में उस समय इनका उदय हो रहा था, अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग क्षेत्रों में इनका उदय देखने को मिलता है, इसलिए इनको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां बोल दिया जाता है। अब ताम्र पाषाण के नाम से ही अर्थ समझ में आ रहा है कि वहां के जो लोग हैं वो क्या थे, तांबे का भी यूज करते थे और पाषाण मतलब पत्थर का भी यूज करते थे। ठीक है, तो दोनों ही जो चीजें हैं उनके जो उपकरण हैं जो टूल्स हैं वो वहां पर देखने को मिलते हैं, है ना। अब इनके जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, उन क्षेत्रों को भी हम अध्ययन करेंगे, वहां से क्या क्या टूल्स मिले हैं या क्या क्या साक्ष्य हमें मिलते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जो समकालीन सभ्यताएं हुई थी विकसित या संस्कृतियां विकसित हुई थी उनको भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति, इसको एक नाम और देते हैं, कैथोलिथिक, केलो लेथिक, कल्चर। ठीक है, कैल्कोलिथिक, यहाँ कैल्कोलिथिक लिखी है ना, गलत हो गई मीनिंग। ठीक है, कैल्कोलिथिक कल्चर जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है उस समय विकसित हो रहा था, तो यहाँ के जो मानव हैं उन मानवों के द्वारा किस किस का यूज किया गया है, पाषाण, एक तो तांबे का प्लस पाषाण, दोनों को ही मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। यहाँ की जो संस्कृति हमें मिलती है वो यहाँ लोग कृषक के रूप में भी हमें मिलते हैं, और कृषक के अलावा वो जहाँ ये संस्कृतियाँ विकसित हुई वो ग्रामीण इलाका था, वहाँ पर कोई भी प्रकार का या किसी भी प्रकार का जो शहरी व्यवस्था है वो शहर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब ग्रामीण है और कृषक है तो जाहिर सी बात है कि वो खेती भी क्या करेंगे, मतलब फसल उगाना ही शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि फसल तो हमने जब पाषाण काल पढ़ा था तो वहीं से स्टार्ट हो गई थी कृषि की शुरुआत। तो यहाँ के जो लोग हैं वो मानव कैसा था, ये संस्कृति थी, ये संस्कृति कैसी थी,
संस्कृति में कृषक एवं ग्रामीण संस्कृति हमें जो है मिलती है, कौन सी? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति वो किस प्रकार की संस्कृति रही है या किस प्रकार की संस्कृति हुई है, तो आपको बताना है कि ये संस्कृति कैसी थी, कृषक और ग्रामीण संस्कृति थी। इसका जो उदय होता है, उस उदय का जो टाइम है उसको आप लिख लीजिए। यह संस्कृति जो विकसित होती है लगभग 3000 ईसा पूर्व, पंद्रह सौ ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय है, टाइम है, इसका रहता है किसका? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का। अब यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो करेंगे आहाड़ और बनास संस्कृति। आहाड़ और बनास संस्कृति जो है ये राजस्थान वाले क्षेत्र में थी, और इसमें जो राजस्थान के कुछ क्षेत्र थे वो क्षेत्र इसमें शामिल थे। एक तो आहाड़ ही जगह थी, है ना, जगह के ही नाम है, इनके नाम पर इस संस्कृति का नाम भी पड़ता है। एक तो आहाड़ी है, जो दूसरा है वो बालाथल है, आहाड़ बालाथल, और एक और जगह है इसमें। तो ये आहाड़ जो है, ये आहाड़ वहाँ नदी भी मिलती है, कहाँ पर? राजस्थान में। और बनास भी वहाँ नदी है ना। तो ये इस क्षेत्र में जो संस्कृति का विकास हुआ था वो कौन सी थी? आहाड़ और बनास संस्कृति, ठीक है। राजस्थान का ये दक्षिणी छोर होता है, उदयपुर अगर आपने जिले का नाम सुना होगा तो उसी जिले में जो है इस संस्कृति का विकास देखने को मिलता है। यहाँ तक लिख लिया सबने? आगे बढ़े? चलिए ठीक है। एक जगह है वो है आपका गिलुंद, ठीक है। कहीं कहीं आपको गिलुंद की जगह गिलुंड भी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ही नाम आपको मिलेंगे, ठीक है। एक तो गिलुंद और एक गिलुंड। अब यह ये तो क्या हो गया, ये सारे जो हैं वो पुरातात्विक जो है स्थल, यानी कि यहाँ से जो है क्या क्या हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो जो आपका आहार है, इस आहार को, क्योंकि यहाँ पर जो तांबे की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा अधिक तांबे की मात्रा मिलती है, इस तांबे की बहुत अधिक मात्रा होने के कारण ही इसका एक उपनाम से इसको जाना जाता है, या तो ताम्रवती या ताम्बवती, ठीक है। आहाड़ का जो है एक नाम रख दिया गया है, तांबे की बहुत ज़्यादा यहाँ मात्रा मिलती है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ताम्रवती या ताम्बवती, ठीक है। तांबे की अधिकता के कारण इसके नाम, इस संस्कृति का जो नाम है वो तो क्या है? आहाड़ और बनास बनास संस्कृति है, लेकिन यहाँ के जो साक्ष्य हमें मिलते हैं उन साक्ष्यों में क्या है? तांबे के जो उपकरण हैं वो बहुत अधिक मिलते हैं, इस कारण आहाड़ का जो नाम है उस आहाड़ का ही पर्सनल जो नाम है वो क्या है? ताम्रवती या ताम्बवती। इसी के अलावा जो बालाथल हैं और जो गिलुंद हैं, इस गिलुंद में जो मृद भांड मिलते हैं, यानी कि जो मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं, वो काफ़ी मतलब बहुत अच्छी किस्म के जो हैं, या उत्कृष्टता के लिए जो फेमस जो उपकरण मिले हैं वो किस कहाँ पर मिले हैं? गिलुंद में। या फिर इसको आग अगर आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख लीजिए, गिलुंद से एक और चीज मिलती है, पकी हुई ईंटों के साक्ष्य। जो अभी वर्तमान में अपन ईंटों का यूज करते हैं, पहले क्या था, जैसे कोई घर बनाए जाते थे तो उन घरों में क्या है, कच्ची ईंटों का ही यूज किया जाता था, लेकिन गिलुंद एक ऐसी जगह है जहां पर जो साक्ष्य मिले हैं
वहां पर ईंटों को क्या किया जाता था, पकाया जाता था, और उस ईंटों को जब पकाया जाता था उसी के बाद में क्या किया जाता था, उन ईंटों का मकान बनाने में जो है यूज किया जाता था। तो ये गिलुंद को जो है आपको थोड़ा याद रखना है कि वहां पर क्या किए गए हैं, पहली बार जो है पकी हुई ईंटों के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, गिलुंद से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आहाड़ के बारे में देखा कि उसमें तांबे के जो उपकरण हैं टूल से वो बहुत अधिक मिले हैं, इसलिए उसका ताम्बवती नाम पड़ गया। जबकि गिलुंद क्यों फेमस है, गिलुंद में जो है पकी हुई ईंटों के जो साक्ष्य हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो खेती की जाती थी वो खेती मतलब गेहूं और जौ की तो होती थी, उसके अलावा भी अन्य जो कृषि है यहाँ पर की जाती थी, यानी कि जौ और गेहूं के अलावा भी। जो अन्य किस्म की जो खेती थी या कृषि थी, अन्य किस्म की जो फसलें हैं वो फसलें यहाँ पर की जाती थी। अब मान लीजिए जहाँ पर फसल अच्छी होगी तो वहाँ का विकास होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई भी ग्रामीण क्षेत्र है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप इकोनॉमी का जो सोर्स देखोगे वो क्या होती है, कृषि होती है या एग्रीकल्चर ही होता है। अब जब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होगी तो एग्रीकल्चर जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी समृद्ध लोग होंगे, और जब काफ़ी समृद्ध लोग होंगे तो उसका मतलब ये है कि वहाँ की जो आर्थिक एक्टिविटीयाँ हैं वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता इस समय रही होगी तो उस समय वहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से, ये आपस में जो है चीज़ों को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का काम करते थे। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, शहरी सभ्यता थी। अब जब तक गांव की चीज़ें अगर शहरों में नहीं पहुंचेगी तो क्या गांव के शहरों के लोग जीवित रह पाएंगे क्या? मान लीजिए शहरों में अगर गेहूं नहीं पहुंचेगा तो आटे में क्या खाएंगे भाई लोग, समझ पा रहे हैं ना? तो कहीं ना कहीं जो है ये भारत के अंदर जो छोटी छोटी संस्कृतियों का विकास हुआ था उसी ने कहीं ना कहीं जो है एक शहरी सभ्यता का निर्माण किया होगा उस समय, जो सिंधु घाटी सभ्यता हम आगे जाकर देखते हैं। ठीक है, तो ये तो कौन सी वाली हो गई हमारी, आहाड़ बनास संस्कृति, ये राजस्थान वाले क्षेत्र में थी। इसके बाद में जो संस्कृति आती है वो आती है हमारी कायथा संस्कृति, जो कि मध्य प्रदेश में थी। कायथा और एक और जगह स्थान होता है एरन, है ना? कायथा जो है आपका उज्जैन में है, इसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम है कायथा संस्कृति, ये आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कायता कहाँ है, उज्जैन में है और मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। अब यहाँ कायता में जो स्थल मिलते हैं, एक तो खुद कायता ही था जो कि उज्जैन में है, कायता के अलावा एरण है, ये आपके सागर में। ठीक है, कायता है आपका उज्जैन में और एरण है सागर में। तो ये जो कायता है, कायता का ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उस हड़प्पा सभ्यता के पहले के, हड़प्पा सभ्यता जब चल रही थी तब के, और हड़प्पा सभ्यता के बाद के जो मृद भांड है वो मृद भांड कहीं ना कहीं इस संस्कृति से जो है मिलते जुलते या उनका जो प्रभाव है वो इसमें दिखाई पड़ता था। समझ पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जैसे जैसे मृद भांड थे, जैसे खिलौने थे, वहां मिट्टी के जो बर्तन थे, वैसे की वैसे ही बर्तन क्या है कहाँ पर मिलते हैं हमें, कायथा संस्कृति में मिलते हैं। तो यानी कि जो प्राक हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा से शुरुआत के पहले के, प्राक हड़प्पा के बाद में हड़प्पा, यानी कि जब हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता जो है उस समय विकास कर रही होगी तब के, और एक और है प्राक हड़प्पा हो गया, हड़प्पा हो गया, और एक हड़प्पा उत्तर। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद के, तो इन तीनों ही सभ्यताओं में जो मृद भांड मिले हैं उन मृद भांडों का क्या है, जो साइज था या उनकी जो बनावट थी वो बनावट कहीं ना कहीं क्या है, हड़प्पा सभ्यता से, या फिर हड़प्पा सभ्यता का उस पर प्रभाव दिखता है। मृद भांडों में इनका जो प्रभाव है वो प्रभाव क्या करता है, दिखाई पड़ता है, किसमें, कायथा संस्कृति के मृद भांडों में। ठीक है,
जो मिट्टी के बर्तन होते थे ना, उनको ही मृदभांड बोला जाता है, जो मिट्टी से बने बर्तन जो घर में यूज़ किए जाते थे, है ना, इन इंग्लिश में बोलते हैं पोटरी। ठीक है, एरन का तो आपको पता ही है। जैसे कि हम आगे जब गुप्त काल पढ़ेंगे, तो गुप्त काल में एक राजा होते हैं भानुगुप्त, तो भानुगुप्त कुमार गुप्त होते हैं, कुमार गुप्त का एक सेनापति था भानुगुप्त, नहीं भानुगुप्त राजा होते हैं, उसी के सेनापति होते हैं गोपराज। तो गोपराज की जो विधवा होती है, मतलब गोपराज की क्या होती है, एक युद्ध में लड़ाई हो जाती है, और गोपराज की जो पत्नी होती है वो क्या करती है, सती होती है। तो उस सती का जो है अभिलेख हमें मिलता है कहाँ पर, सागर में, एरण अभिलेख। तो इस एरण अभिलेख जो है ये 510 ईस्वी का था, 510 ईस्वी के एरण अभिलेख में साक्ष्य मिलता है कि भाई भानुगुप्त का जो सेनापति था गोपराज, उसकी विधवा ने क्या किया था, सती हुई थी वो। ठीक है, तो एरण से भी वो साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। अगला जो है हम बात करते हैं एक अलग से जो है मालवा संस्कृति की। इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए, स्टेटाइट और कार्नेलियन, जो आपकी ये कायथा जो संस्कृति थी, इसमें एक और जो साक्ष्य हमें मिलते हैं, मतलब जो पत्थर थे उन पत्थर को क्या किए गए थे, उन क्योंकि महंगे पत्थर थे वो, काफ़ी अच्छी किस्म के पत्थर थे, तो उनको काट काट कर जो है उसके आभूषण बनाए गए हैं। आभूषण मतलब जो हार वगैरह पहनते होंगे उस समय, वो वाले आभूषण। ठीक है, तो ये दो पत्थरों के दो नाम लिख लीजिए, एक का था स्टेटाइट और एक है कार्नेलियन। ठीक है, ये दोनों ही पत्थर क्या थे, बहुत उस समय कीमती माने जाते थे, तो इन कीमती पत्थरों के क्या मिलते हैं, हार मिलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप पढ़ोगे कि जो मनके हैं हड्डियों से क्या किए जाते थे, मनके बनाए जाते थे, उस मनके के फिर मोती उसमें होते थे, और उनके अच्छे अच्छे नेकलेस बनाए जाते थे, और उन नेकलेसों की क्या थी, डिमांड कहाँ हुआ करती थी, जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर। तो पश्चिमी देशों की जो रानियाँ हुआ करती थी, वो बोलती थी कि भाई हमें जो नेकलेस चाहिए वो कौन सा चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता वाला ही चाहिए, है ना, वहीं से जो है उनको मंगवाओ। तो वहाँ के जो फिर राजा थे, वो राजा क्या करते थे, भारत में जो यहाँ के जो व्यापारी होते थे, उन व्यापारियों से बोलते थे कि भाई आपकी जो सभ्यता है वहाँ पर जो नेकलेस वगैरह मिलते हैं उन्हीं को यहाँ पर भेजिए। ठीक है, तो स्टेटाइट और कार्नेलियन क्या थे, ये दोनों पत्थर थे, एक कीमती पत्थरों के क्या किए जाते थे, वहाँ पर हार बनाए जाते थे। हो सकता है ये उस समय के, मतलब जो है जैसे अभी वर्तमान में सोना चांदी धातु होती है ना, उसी टाइप के थे, तो वो हो सकता है चमकदार हो इसलिए उनको पसंद आते हो। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं मालवा संस्कृति। तो ये मालवा वाले भी क्या है, हमारे मध्य प्रदेश में ही है। इसमें एक और नाम आप जोड़ दीजिए मालवा संस्कृति में, देखो दो नाम तो वही रहेंगे, एक तो कायथा रहेगा, एक एरन रहेगा, और एक होगा नावदा टोली। नावदा टोली थोड़ा जो है अभी वर्तमान में अगर बात करोगे तो थोड़ा महाराष्ट्र वाले हिस्से में अभी आता है वर्तमान में, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं जो है मालवा क्षेत्र का ये भाग हुआ करता था। कौन सा, नावदा टोली, है ना। तो इसमें तीन शहर जो है प्रमुख स्थल मिलते हैं, प्रमुख स्थलों में कौन कौन से हैं, एक तो कायथा ही है, एरन, और एक नावदा टोली। ठीक है, अब यहां से क्या क्या मिलते हैं उनको लिख लीजिए। जो मालवा के जो मृदभांड है वो उस समय काफी फेमस थे, है ना, जो मालवा क्षेत्र में जो भी मृदभांड मिलते हैं, मालवा के जो मृदभांड है वो अपनी उत्कृष्टता के लिए, काफी लोकप्रिय थे। ठीक
ठीक है, उस समय के लिए जो है यहाँ की जो मालवा संस्कृति थी, तो इसके जो बर्तन थे वो दूर दूर तक जो है बहुतायात मतलब बिकने के लिए जाया करते थे, और यहाँ के जो बर्तनों के जो मुकाबला है वो कोई भी संस्कृति नहीं कर पाई है ना। तो ये जो है मृदभांड जो है अपनी उत्कृष्टता के लिए काफ़ी लोकप्रिय थे मालवा क्षेत्र के। इसके अलावा जो नावदा टोली है, नावदा टोली में जो है बहुत सारी फसलों के जो है साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, कायथा आप उज्जैन में देखोगे तो उज्जैन भी किसका भाग है, मालवा का ही है। तो ये मालवा संस्कृति का क्या है, थोड़ा विस्तार ज़्यादा था, जबकि जो कायथा है वो प्रमुख रूप से एक ही जगह में जो विकसित हुई थी उसको अलग से जो है कायथा संस्कृति बोल देते हैं, जबकि मालवा क्षेत्र का जो विस्तार था वो थोड़ा बड़ा था, क्योंकि महाराष्ट्र का कुछ भाग भी उसमें आता था। और इधर आप एरण को देखो तो एरण कहाँ है, सागर में है, और सागर अभी वर्तमान में जो है आप बुंदेलखंड का पार्ट पाओगे उसको, है ना, बुंदेलखंड वाले जो क्षेत्र हैं उसमें कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगा सागर। तो उस समय जो मालवा का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा था, जबकि कायथा का जो है वो थोड़ा ऊपर ऊपर का जो क्षेत्र था उज्जैन वाला वही उसमें आता था। तो ये दोनों ही संस्कृतियाँ जो हैं अलग अलग, क्योंकि उस समय जो लोग थे वो काफ़ी डिस्टेंस से रहते थे, बहुत दूर दूर रहते थे। तो भाई उस क्षेत्र में लोग जो रह रहे हैं उन्होंने अपनी एक संस्कृति विकसित कर ली अलग से कायथा, जो फिर बाद में जो है धीरे धीरे ये बढ़ती गई, तो बाद में उसको मालवा संस्कृति नाम दे दिया। तो वो मालवा जो है वो थोड़ा विकसित हो गया था, मतलब बड़ा हो गया था उसका स्वरूप। तो यहाँ पर जो है मालवा की जो फेमस रहेगी, क्योंकि अब मालवा में कौन आ गया, कायथा भी आ गया, तो कायथा के जो बर्तन हैं वो तो फेमस थे ही, तो इस कारण हो सकता है कि अब मालवा में भी ये मृदभांड जो है काफ़ी लोकप्रिय होते हो गए बाद में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सुधार हुए होंगे बाद में चलते चलते। ठीक है, तो जो नावदा टोली है, नावदा टोली में जो है जो फसलों के जो साक्ष्य हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो देखने को मिलती है, क्योंकि हमने पहले जो देखा था उसमें केवल कौन सी फसलें थी, उसमें जब गेहूं थी और जौ थी, उसके अलावा भी बाद में जो है उन्होंने धीरे धीरे जो है अलग अलग फसलें करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो नावदा टोली से क्या मिलते हैं कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो जौ और गेहूं की तो करते ही थे। अब जौ और गेहूं के बाद में उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जैसे कि कपास है, मक्का है, राई है ना, जो मोटे अनाज आप नाम सुनते हो ना, ज्वार है, बाजरा है, इन सब की खेती के जो साक्ष्य है कहीं ना कहीं जो है कहाँ से मिलते हैं आपको, नावदा टोली से। तो यानी जौ और गेहूं के अलावा जो है यहाँ पर राई की फसल की जाती थी, ठीक है, बाद में जो है कपास के भी साक्ष्य जो है कपास की होने लगी है ना, रेशम कीट वगैरह की जो है इनकी जो फसलें धीरे धीरे जो है यहाँ पर होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो ये जो है किसके बारे में है, नावदा टोली के बारे में, है ना। अब ये जो है आपकी कौन सी हो गई, मालवा संस्कृति, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो केवल किससे बनते हैं, या तो प्रमुख स्थलों से बनेंगे या फिर वो एविडेंस के बारे में पूछता है कि भाई वहां पर कौन कौन से जो है साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो है अगर आगे हम बात करें तो एक जोरवे जो संस्कृति है, जोरवे संस्कृति का जो विकास होता है वो होता है आपके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, जोरवे जो है संस्कृति का कहाँ विकास होता है, जोरवे जो कल्चर है या जोरवे जो संस्कृति है इसका जो विकास होता है वो होता है आपके महाराष्ट्र क्षेत्र में। महाराष्ट्र क्षेत्र में अब जोरवे के साथ साथ जो है कुछ जगह और थी, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। मैंने आपको कल एक गांव गांव नहीं क्षेत्र का नाम बताया था, स्थल का नाम महाराष्ट्र में कौन सा बताया था, कोरे गांव। तो कोरे गांव से क्या मिलते हैं, प्राचीन बस्तियों के जो साक्ष्य हैं वो कोरे गांव से मिले थे। अब वहां पर बस्तियां तो किस टाइम पे बन गई, बहुत पहले बन गई। अब यहाँ पर जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे जो अधिक साक्ष्य हैं वो इस टाइम के मिलते हैं, है ना, जो ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति थी, जोरवे संस्कृति उसका नाम है। तो यहाँ पर जो स्थल है, क्योंकि उस समय तो एक ही कोरे गांव जो है स्थल हमें देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर कोरे गांव के अलावा बाद में जो है जैसे जोरवे हैं, नेवासा है, दैमावाद है, ये कुछ मतलब इस समय के जो है फेमस
स्थल रहे हैं, फेमस स्थान रहे हैं, कौन कौन से? एक तो जोरवे, नेवासा, देमावाद और एक इनाम गांव। ठीक है, कोरे गांव भी क्या था, एक बस्ती थी, लेकिन जो इनाम गांव है, इस इनाम गांव के बारे में एक फेमस जो है एक बिंदु मिलता है कि इनाम गांव सबसे प्राचीन जो है गांव में पहला गांव माना जाता है, या फिर आरंभिक जो गांव है वो कौन सा है? इनाम गांव है। ठीक है, नहीं भारत की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब विश्व का जो है आप देख लीजिएगा, हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो भारत का जो है पहली मतलब ऐसी बस्ती मानी जाती है कि जो इनाम गांव है ये क्या है, आरंभिक गांव जो है वो कौन सा है आपका, इनाम गांव है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ते हैं, सारे जो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है या महाराष्ट्र वाले रीजन में। ठीक है, अब जो दैमावाद है, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं, तो दैमावाद से कांसे के जो हैं कुछ मूर्तियाँ मिलती है। ठीक है, कांसे का मतलब समझ रहे हो, ब्रॉन्ज, क्योंकि वैसे हम पढ़ते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पर ही आकर क्या मिलता है हमें, कांसा मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं, क्योंकि ये समकालीन संस्कृति है किसके, मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है कि 3000 से लगभग कहाँ तक रहती है ये, 1500 ईसा पूर्व तक रहती है, जबकि मैंने सिंधु घाटी का भी आपको पहले टाइम पीरियड क्लियर कर दिया था कि 2350 से लेकर 1750 जो है वो कौन सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड रहता है। तो हमें जो दैमावाद है वो भी, आप जब सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि दक्षिण का जो छोर है, दक्षिण का जो बिंदु है, वो सिंधु घाटी का कहाँ तक माना जाता है, दैमावाद तक ही माना जाता है। तो यहाँ पर जो है कांसे की जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है, एक बिंदु लिख लीजिए। ठीक है, कांसे की वस्तुएं है ना, मूर्तियाँ भी उसी में आ जाएगी, और कुछ वहाँ पर और अन्य जो हैं उपकरण भी मिलते हैं, तो कांसे की जो वस्तुएं हैं वो कौन सी कहाँ मिलती है, दैमावाद में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा फिर इससे हमें क्या पता लगेगा कि भाई ये भी कहीं ना कहीं किसका प्रभाव बता रहा है, कि भाई हड़प्पा संस्कृति का जो प्रभाव है या हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव किस पे था, जोरवे संस्कृति पे था, है ना, क्योंकि उसका जो विस्तार है वो महाराष्ट्र तक माना जाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ और साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे कि घोड़ा गाड़ी यहाँ मिलती है, घोड़े के अलावा जो है और भी जो पशु होते हैं उनके भी यहाँ साक्ष्य मिलते हैं, इसके अलावा जो रथ हैं उस रथ को चलाते हुए एक व्यक्ति या मानव की जो आकृति है वो भी कहाँ से प्राप्त होती है, दैमावाद से मिलती है। ठीक है, क्या क्या मिलते हैं, घोड़ा गाड़ी, रथ के साक्ष्य या रथ को चलाते हुए मानव के आकृति, तो ये मानव की आकृति जो है किस पे मिलती है, यानी कि जो दैमावाद है वहाँ पर जो स्थल है उस स्थल से हमें क्या क्या मिलते हैं, घोड़ा गाड़ी मिलती है, रथ को चलाते हुए एक मानव की आकृति जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, दैमावाद से मिलती है ना, ये जोरवे संस्कृति के कुछ स्थल है, नहीं इसके कांसे के, कांसे की ये है ना। इसके अलावा जो ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है उसमें जो इनाम गांव है, वो इनाम गांव क्या था, ये बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी, जैसे कोरे गांव था, कोरे गांव तो क्या थी, सामान्य बस्ती थी, लेकिन जो इनाम गांव है ये बहुत बड़ी जो है उस समय की ताम्रपाषाण कालीन जो बस्ती है उनमें बहुत बड़ी बस्ती मानी जाती थी। ठीक है, जो इनाम गांव है ये क्या थी, ताम्रपाषाण कालीन बहुत बड़ी बस्ती थी। आप सिक्वेंस से लिखते जाइएगा, मैं तो क्या है इसी उसमें पूरा कर रहा हूँ ना, आप अलग से लाइन में लिखते जाइएगा। ये ताम्रपाषाण कालीन या कैल्कोलिथिक एज की क्या है, सबसे बड़ी बस्ती है, बड़ी बस्ती है। ठीक है, उन बस्तियों में से एक है, या उस समय की जो बस्तियां हैं उनमें बड़ी बस्ती जो है वो कौन सी है आपकी,
इनाम गांव है, ठीक है। बाकी के जैसे हम देखते हैं कि जो अन्य जो संस्कृतियां थी वो लगभग लगभग जो है 1200 ईस्वी तक खत्म हो जाती है, लेकिन जो जोरवे संस्कृति है, इस जोरवे संस्कृति का जो प्रभाव है वो बहुत दिनों तक रहता है, लगभग 700 ईसा पूर्व तक जो है इसका प्रभाव रहता है, यानी कि ये नष्ट कब होती है, 700 ईसा पूर्व में। अन्य संस्कृतियों की तुलना में जो है ये बहुत ज़्यादा समय तक रहती है, ठीक है। इसका जो प्रभाव है वो कब तक रहता है, 700 ईसा पूर्व तक जो है जोरवे संस्कृति का प्रभाव रहता है। बाकी जो अन्य संस्कृतियां थे जैसे मालवा है, कायता है, या फिर हमारी जो राजस्थान की है कौन सी, बनास और आहाड़ संस्कृति, तो ये सारी संस्कृतियों का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक नहीं रहता है, वो नष्ट हो जाती है लगभग 1200 ईसा पूर्व तक। लेकिन 1200 ईसा पूर्व के बाद में भी जो है 700 ईसा पूर्व तक जो व्यवस्था रहती है वो कौन सी रहती है, जोरवे संस्कृति की। अब इसी के समकालिक जब अपन ने पाषाण काल पढ़ा था तो उसमें तीन युग पढ़े थे, एक तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। अब इसी के अलावा इसी से मिलता जुलता जो है एक महापाषाण कालीन संस्कृति, या उसी को बोल देते हैं कभी कभी मेगालिथिक एज भी बोल देते हैं या पीरियड भी बोल देते हैं। तो जो मेगालिथिक पीरियड है वहां पर क्या है, बहुत बड़े बड़े जो पत्थर हैं उसको क्या किया जाता था कि जो कब्र है उन कब्रों को ढकने के लिए उसका यूज किया जाता था। तो वहां पर मेगालिथ का मतलब यह है कि मेगा यानी बड़ा और लिथ यानी चट्टान, तो बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं उनका उस काल में क्या किया गया था, यूज किया गया था। और वो कहाँ देखने को मिलता है, वो दक्षिण भारत में ही देखने को मिलता है, मतलब उत्तर भारत में तो बाद में उसका विस्तार हुआ है, लेकिन उस संस्कृति का जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है वो किस में हुआ है, दक्षिण भारत में हुआ है, साउथ के रीजन में। तो मालवा इनके जोरवे संस्कृति के बाद में हम पढ़ेंगे महापाषाण कालीन संस्कृति, और महापाषाण कालीन संस्कृति में कौन से, मिट क्यों नहीं रहा सर, महापाषाण कालीन संस्कृति। महापाषाण कालीन संस्कृति, या फिर इसी को बोल देते हैं मेगालिथ कल्चर। मेगालिथ कल्चर में कुछ नहीं था, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई, उस व्यक्ति के मर जाने के बाद में क्या किया जाता था, शवदान किया जाता था या उनको दफनाया जाता था। अब दफनाने के दौरान जो कब्रें होती थी उन कब्रों को क्या किया जाता था, जो ढकने के जो लिए यूज किया जाता था। अब ये ढकने का जो परंपरा है वो अभी तक अभी से नहीं है, देखा जाता था कि जो आपने मिस्र देश का नाम सुना होगा है ना, तो मिस्र देश में क्या किया जाता था, जब भी कोई मानव की मृत्यु होती थी या वहां का जो राजा महाराजा होता था उस महाराजा की मृत्यु होती थी तो वहां पर उसको भी दफनाया जाता था। तो वहां पर क्या किए गए थे, उस समय बड़े बड़े पिरामिड बनाए जाते थे। अब उसी तरह से जो है भारत में भी सोचा होगा उन्होंने कि भाई हम भी क्या करें, किसी किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उसको क्या है, हम लंबे समय तक याद रख सकें कि उसकी डेट ऑफ जो डेथ हो जाने के बाद में जो बॉडी है वो कहाँ रखी है, तो उसका भी हमें एक पता रहे कि भाई ये वाली चट्टान थी इसके नीचे उसको दफनाया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है जो कल्चर विकसित हुआ था वो कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था। तो उन लोगों ने क्या किया था, जब भी कोई मानव की मृत्यु होती थी तो बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती थी उन चट्टानों को उसके ऊपर रख दिया जाता था। उस समय के जो लोग हैं वो काफी बलशाली होते थे, काफी जो है शक्तिशाली होते थे, इसलिए उनको उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी चट्टानों को, उस समय तो हाथी गाड़ियां वगैरह होती थी तो उनसे भी कहीं ना कहीं वो उनकी मदद से बड़ी बड़ी चट्टानों को उस पर रख देते थे। तो उसी काल को क्या है, एक अलग से नाम दे दिया जाता है कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका माना जाता है, महापाषाण काल का माना जाता है, या फिर महापाषाण कालीन संस्कृति का माना जाता है ना। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1 शताब्दी या प्रथम सदी लिख लीजिए ना, प्रथम सदी तक। तो यहां तक का जो, यानी कि हम किस में आ गए, अब इधर अभी अभी माइनस में हम चल रहे थे, अब माइनस से हम क्या है प्रथम सदी के जब बाद में जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक का जो समय था
वो किस में था हमारा, माइनस में चल रहा था। अब यहां पर क्या किया गया है, जो महापाषाण काल बोला गया है, वो महापाषाण काल किसको बोला गया है कि जो वहां पर जो कब्रें मिली हैं उन कब्रों को ही क्या बोला जाता है, महापाषाण। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर उन्हीं के ऊपर मिलते हैं, तो वहां की जो कब्रें हैं उनमें दफनाया जाता था, उन कब्रों को क्या बोला जाता था, महापाषाण। ठीक है, और ज्यादातर ये कहां कहां विकसित थी, जैसे कि दक्षिण भारत का मतलब यह है कि देखो जब भी भारत को बांट पढ़ो तो भारत को तीन भागों में तो तोड़ ही लो, जैसे कि उत्तर भारत, उत्तर के बाद में दक्कन भारत, दक्कन के बाद दक्षिण भारत। अगर अपन संघों के जैसे अभी अपन राजवंश पढ़ेंगे आगे, तो राजवंशों में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उत्तर भारत के राजा, फिर आप दक्कन के राजाओं को पढ़ोगे, फिर दक्कन के बाद में आप साउथ के राजाओं को पढ़ोगे। जैसे प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे कि जो मगध साम्राज्य है वो कहाँ रहा था, उसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र रही थी ज़्यादा समय तक के लिए, तो वो उत्तर भारत के राजा हो गए। फिर अपन दक्कन में आएंगे तो दक्कन में हम राष्ट्रकूटों को पढ़ेंगे, पल्लवों को पढ़ेंगे, काकतीय वंश को पढ़ेंगे, है ना, सातवाहन वगैरह को पढ़ेंगे, तो ये कहाँ कौन से राजा हो जाएंगे आपके, दक्कन वाले राजा हो जाएंगे। फिर अपन दक्षिण भारत में चलेंगे तो दक्षिण भारत में वहां पर तीन वंश जो है हमें प्रमुख रूप से मिलते हैं, संगम वंश मिलता है, चोल वंश मिलता है और पांडे मिलते हैं, तो ये कौन से वाले हो जाएंगे आपके, साउथ वाले किंग हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो है यहां पर क्या हुआ है, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत तो था ही, दक्षिण भारत के अलावा दक्कन, बाद में ये असम की तरफ भी जाते हैं, मतलब वहां पर भी कुछ कुछ संरचनाएं मिलती हैं, और कश्मीर में। ठीक है, इन जगह पर क्या हुए हैं, इनके जो सौदान करने के जो साक्ष्य हैं, और सौदान करने के बाद में जो वहां पर संरचनाएं मिली हैं वो किसकी मिली हैं, उन बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे मानव को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। तो उनके क्या है, जो सौदान घर मिले हैं, सौदान घर मतलब जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, तो उनको उनकी जो बॉडी है वो वहां पर जो है उनके कुछ अवशेष हमें जो है मिलते हैं। ठीक है, वो देखो एक प्रोसेस हुआ करती थी उनकी, क्या होता है कि मान लीजिए जब ये एक पद्धति है, जब आप अलग अलग पद्धतियां पढ़ोगे कि भाई मानव की जो बॉडी है अगर उसको लंबे समय तक आप रखोगे तो उसको क्या है, कहीं ना कहीं उसमें बदबू आएगी। अब उस वो बदबू ना आए उसके लिए उसके बॉडी पर क्या कर दिया जाता था, एक लेप चढ़ा दिया जाता था या लेप कर दिया जाता था ताकि वो गंध ना मारे। ठीक है, उससे मतलब जो शरीर है उस शरीर से बदबू ना आए। तो जब उसको ताबूत में रखा जाता था, क्योंकि वर्तमान में तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो मुस्लिम लोगों में देख लीजिए या पारसियों में भी देख लीजिए, तो जब भी उनकी मृत्यु होती है तो उनको क्या किया जाता है, उस ताबूत में उनकी बॉडी को रख दिया जाता है, उसके बाद दफनाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है, पहले जो परंपरा थी कि पिरामिड में जो वहां के जो राजा महाराजा होते थे उन्होंने क्या किया था, उनको दफनाने के लिए क्या करा था कि भाई उसके पहले शरीर पर क्या कर दिया जाता था, एक लेप कर दिया जाता था ताकि वो बॉडी जो है वैसी की वैसी रखी रहे, उसमें कोई किसी भी प्रकार के चेंजेस ना हो, या फिर उसमें वो जो अपन कहें कि जैसे मान लीजिए अभी आपका दूध है, अगर उस दूध को आप लंबे समय तक क्या करोगे, खुले में छोड़ दोगे तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको खराब कर देंगे। ठीक है, देखते हो ना आप दूध को, दही बन जाता है कुछ समय बाद, फिर दही से आप मठा बना लेते हो, मठा के बाद में उससे मक्खन भी निकाल लेते हो। तो इसी तरह से क्या है, वहां बॉडी को बचाने के लिए उसके ऊपर बॉडी पर लेप किया जाता था, उसको संरक्षित करने के लिए, बचाव के लिए। ठीक है, ताकि वो बॉडी ऐसे कैसे रखी रहे उसके लिए। ठीक, तो उनको जो पश्चिमी देशों में जो मिस्र हैं वहाँ पिरामिड जो बोले होते थे, तो उसमें जो उसको बॉडी के जो पार्ट होता है उसको वहाँ पर जो बनाया जाता था उसको ममी बोला जाता था। तो दक्षिण भारत, दक्कन और असम और कश्मीर, यहाँ पर क्या मिले हैं, सौदान करने के जो हैं साक्ष्य वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ की फेमस कुछ गुफाएं हैं, गुफाओं के पास भी मिलते हैं, जैसे ब्रह्मगिरी की गुफा है ना, ये कुछ नाम लिख लीजिए ताकि आपको कभी कभी जो है अगर परीक्षा में पूछे जाए तो याद रह जाएंगे। ठीक है, एक तो ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी के बाद में लिखिए आदि चन्नलूर, आदि चन्नलूर। अगला है
मास्की जो है ये कर्नाटक में है। नहीं, जहां जहां सौदान के जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो जगहों के नाम है, जहां जहां लोगों को दफनाया जाता था उस समय। हाँ, ये उस समय के स्थल रहे हैं, मतलब जो सौदान स्थल रहे हैं कि जहां जहां बॉडी के जो दफनाया जाता था उस पर जो बड़ी बड़ी चट्टाने रखी जाती थी, तो उनको खोजा गया है। क्योंकि वो अनुमान वही लगाया था कि जहां बहुत बड़ी चट्टान मिली है उस पर कुछ नाम वगैरह उनका लिखा गया होगा, जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है, कोई उस समय राजा महाराजा रहा होगा, या क्योंकि महाराजा का तो अभी कल्चर आया ही नहीं है राजा महाराजाओं का, उस समय का हो सकता है कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा हो, उसको जब दफनाया जाता था तो उसके ऊपर नाम वगैरह लिख दिए जाते थे बड़ी चट्टान के ऊपर। तो ये उस सौदानों के क्या है, सौदान जहाँ जहाँ मिले हैं उनके जगहों के नाम है। कहाँ कहाँ मिले? एक तो ब्रह्मगिरी के में मिले हैं, आदि चंदलूर में मिले हैं, मास्की में मिले हैं, और चिंगलपत्तू। चिंगलपत्तू, चिंगल पत्तू, और एक और है अर्जुन कोंडा। अर्जुन कोंडा, ठीक है। तो ये चार पांच जगह हैं जहां पर क्या मिले हैं लोगों को, जो दफनाया जाता था या जो सौदान किया जाता था उस सौदान के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर एक सौदान की जो प्रोसेस थी उसमें, जो अंत्येष्टि की जो प्रोसेस थी उसमें यह था कि आंशिक सौदान के साक्ष्य मिलते हैं। आंशिक सौदान का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए किसी भी मानव की मृत्यु होती थी तो पहले उसको क्या कर दिया जाता था, जानवरों के लिए या पक्षी के लिए उसको रख दिया जाता था, फिर बाद में क्या किया जाता था, उसको दफनाया जाता था। यही क्या है, आंशिक सौदान है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी क्या है, हमें आंशिक सौदान की ही प्रोसेस मिलती है। आंशिक सौदान में या तो क्या किया जाता था, मानव को मतलब पूरी तरह से नहीं जलाया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई मानव को जलाया गया है, अब उस मानव जलाने के बाद में भी उसके कुछ बॉडी पार्ट बच गए हैं, तो फिर वो पूरा नहीं जला तो उसको क्या कर दिया, बाद में दफना दिया गया है। तो यही क्या है, आंशिक सौदान होता है, ठीक है। मतलब पूरे शरीर को क्या किया गया है, दफनाया नहीं गया है, पहले उसको क्या कर दिया, पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया, ताकि मानव मरते मरते भी कुछ अच्छा काम कर जाए, है ना। ऐसी क्या थी उस समय की मनोधारणा थी कि भाई मानव मरने के बाद भी क्या है, कुछ अच्छा काम करके जा रहा है। मर गया, शरीर तो वैसे ही गया, अब जब शरीर गया तो उस शरीर को भी क्या किया, जब मरने के बाद में भी किसी पेड़ पे लटका दिया जाता था या दूर जंगल में छोड़ दिया जाता था, तो जब पशु पक्षी उसको खा लेते थे उसके बाद में कुछ चीजें बचती थी, उसके अवशेषों को क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। तो ये कुछ क्या है, वहां के जो है सौदान के स्थल हैं जहां से सौदान के जो है साक्ष्य हमें मिलते हैं, ठीक है। ब्रह्मगिरी, आदिचंदलूर, मास्की, चिंगल पत्तू और अर्जुन कोंडा। तो ये जो है आपका ताम्रपाषाण काल जो है यहीं तक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता थी या संस्कृति थी वो तो लगभग 700 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाती है। उसके बाद में जो महापाषाण जो युग होता है वो लगभग 1000 से प्रथम शताब्दी तक माना जाता है, ठीक है। अब यहीं के बाद में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता या प्रथम आरंभिक सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी उसको बोल देते हैं ना। इसके अलावा उसका नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि वहां ब्रोंज जो है पहली बार धातु के रूप में उभर कर आया था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो टाइम पीरियड है वो कार्बन C14 के अनुसार 2350 से लेकर BC से 1750 BC, ठीक है। ये किसके अनुसार है, कार्बन डेटिंग पद्धति, या उसी को बोल देते हैं C14 पद्धति, है ना। अब ये C14 पद्धति में ये था कि किसी भी अवशेष का पता कैसे लगाया जाता था, कि वो कितना पुराना हुआ करता था, उसके आधार पर ही क्या करते हैं, इसका समय काल की गणना करी गई है। किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की, कि भाई ये सभ्यता जो है वो कितनी पुरानी रही है। अब इसमें यह था कि जब अंग्रेज अधिकारी थे तो उनको क्या किया गया था, एक टेंडर दिया गया था रेलवे लाइन बिछाने का,
तो रेलवे लाइन बिछाने के दौरान क्या करी जा रही थी, खुदाई करी जा रही थी। उस खुदाई के दौरान एक व्यक्ति थे चार्ल्स मेटकॉप, चार्ल्स मेसन थे, है ना, मेटकॉप नहीं है, चार्ल्स मेसन। तो ये चार्ल्स मेसन को क्या है, पता लगता है कि कोई पुराना जो नगर रहा है वो पुराना नगर जो है यहाँ पर बसा हुआ था, और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो किस कैसी थी, शहरी व्यवस्था थी। तो चार्ल्स मेसन ने क्या किया था, उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी प्रदान नहीं करी थी। जब उसने जानकारी प्रदान नहीं करी थी तो उसके बाद में जो है भारत के जो कुछ इतिहासकार हैं उन्होंने देखा कि भाई हमारे यहाँ पर जो है पुराने समय में जो है काफ़ी जो है लंबे समय से कुछ खोजें की जा रही हैं, या फिर उनको लगा कि यार ये अंग्रेज लोग जो हैं ये पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उनको पता लगा कि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंटें थी उन ईंटों को क्या किया जाता था, ब्रिक्स को निकाल कर वो रेल पटरियों में यूज़ कर रहे थे। तो इनको लगा कि यार ये तो बहुत पुरानी भी लग रही है। तो इन्होंने क्या किया, उन चीज़ों को दिखाने के लिए जो भारत के जो इतिहासकार उस समय रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे खोजना खुद ही प्रारंभ कर दिया। क्योंकि अंग्रेज ये चीज़ें इसलिए नहीं बताना चाह रहे थे कि अगर वो ऐसा बताते तो कहीं ना कहीं उनको बुरा लगता कि भाई ये तो सभ्यता क्या है, हम इनको सभ्य करने आए हैं और ये तो पहले से ही सभ्य हैं, अगर हम इनको जानकारी बताएंगे तो ये तो पुरानी बहुत सभ्यता जो है बहुत पुरानी है, हमारे सभ्यताओं से भी पहले की है। तो इसलिए जो है अंग्रेज लोगों ने जो है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्रदान करी, क्योंकि वो अपने आप को भी उच्च मानते थे। तो भारत में दो ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में जानकारी प्रदान करी थी सर्वप्रथम। पहले तो इनके आरंभिक नाम में देखेंगे कि इसका जो नाम है वो क्या क्या मिलते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है आपको अलग अलग नामों से इसको पूछ लिया जाता है। तो सिंधु घाटी के पास सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए तो क्या बोल दिया गया इसको, सिंधु घाटी सभ्यता। अब आप सिंधु का जो क्षेत्र अगर देखोगे तो सिंधु क्या है, जैसे हमारे भारत में तो बहती है, उसके अलावा पाकिस्तान वाले रीजन में भी बहती है ना। सिंधु घाटी जब देखोगे आप, भारत और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो लगभग लगभग जो है सिंधु घाटी का क्षेत्र वो कहलाता है, क्योंकि सिंधु का उद्गम कहाँ से है, जो मानसरोवर झील आप पढ़ोगे उसी के पास में एक राक्षस ताल लेक है, उसी राक्षस ताल से होते हुए वो क्या है, कश्मीर से बहती हुई कश्मीर के बाद में जो है आपके इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चली जाती है, और जो आपके पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो भी किसका क्षेत्र आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही क्षेत्र है। तो अब इसके जो नाम है उसमें एक तो सिंधु घाटी सभ्यता ही हो गया। अब यहाँ पर पहले बार क्या हुआ था, कांसा देखने को मिला, ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोल देते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। अब ये तो क्या है, धातु के आधार पर देख लिया। अब यहाँ पर पहला जो नगर था जो चार्ल्स मेसन ने उस समय देखा था, तो चार्ल्स मेसन ने ही हड़प्पा को, हड़प्पा पहली बार जो नाम दिया है वो किसने दिया है, चार्ल्स मेसन ने, है ना। और खोजा किसने था हड़प्पा को, दयाराम साहनी ने, है ना, राखल दास बनर्जी बाद में आते हैं, पहली बार जो है इसको खोजने का काम जो करते हैं वो कौन कौन करते हैं, दयाराम साहनी करते हैं। तो हड़प्पा को हड़प्पा नाम किसने दिया था, चार्ल्स मेसन ने दिया था, और हड़प्पा जो स्थल था उसको पहली बार खोजा गया था किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी हम बोल देते हैं। अब इसी के अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता तो इसको हमने बोल दिया, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है ये व्यवस्था जो थी, यहाँ सारी व्यवस्थाएं कैसी थी, एक नगरीय व्यवस्था थी, मतलब नगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो नगर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं, तो इसलिए इसलिए को क्या बोल दिया जाता है, प्रारंभिक नगरीयकरण व्यवस्था प्रथम नगरीय सभ्यता, ठीक है, यानी कि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, यानी कि प्रथम नगरीय सभ्यता। अब इसी के अलावा क्योंकि सिंधु तो नदी थी उस समय, एक और नदी हुआ करती थी सरस्वती, है ना, अभी वर्तमान में तो विलुप्त हो गई, है ना, तो सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है वो भी इसको बोला जाता था, क्योंकि ये दोनों ही उस रीजन में दोनों ही नदियां बहा करती थी, एक तो सिंधु और दूसरी सरस्वती।
तो सिंधु सरस्वती सभ्यता भी क्या कहा जाता था, इसको बोला जाता था, ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए, इसके नाम हो गए। अब इनके बाद में जो है आपको क्या पढ़ना है, इसका विस्तार जो था वो विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था उसको हम देखते हैं। देखो हड़प्पा जो नाम दिया था वो चार्ल्स मेसन ने दिया था, लेकिन जो पहला नगर जो खोजा गया था वो किसके द्वारा खोजा गया था, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था 1921 में, 1921। 1921 से पहले किसी को नहीं पता था कि भारत में भी एक ऐसी सभ्यता हुई है ना। पहले हम बाहर की सभ्यता को ही महान मानते थे कि पहले जो है विकास जो है वो उधर का ही हुआ है, हमारे यहाँ ज्यादा विकास देखने को ही नहीं मिलता है ना, ऐसा मानते थे। लेकिन अंग्रेजों की भी आंखें कब खुली, जब उनको पता लगा कि यार भारत में तो वास्तव में हमारी सभ्यताओं से भी पहले की सभ्यता है ना। तो हम बात कर रहे थे इसके विस्तार की या क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल या विस्तार, तो देखिए कुछ कुछ बोल रहे हैं। हाँ मतलब, अरे भाई सिंधु को इंडस बोलते हैं ना, सिंधु तो भारतीय लोगों ने बोला। अब जब इंडस, देखिए क्या है कि कुछ लोग क्या है हमारे भारत में बाद में, जैसे इधर के यूनानी जो लोग हैं ये बाद में आए, तो इनको सिंधु कहने में क्या है काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो ये बाद में उसको सिंधु ना कहकर हिंदू बोलने लग गए, और सिंधु को ही क्या बोला जाता था, इंडस नदी बोला जाता था। तो ये इंडस और हिंदूज ये दोनों ही नाम क्या है, ग्रीक के लोग जो हैं ये बाद में देते हैं, ठीक है, बाकी जो है सिंधु को ही इंडस बोलते हैं इंग्लिश में। देखो ये हमारा उस समय का थोड़ा जो है, मैं भारत और ये पाकिस्तान का भी बना ही लेते हैं है ना, क्योंकि उसका जो सभ्यता का जो है विकास यहाँ तक ही था। ये इस समय का जो है, ये त्रिभुजाकार जो है उस समय बनता था, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब आप इधर के भारत को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए है ना, उस समय हम क्या है सिंधु घाटी के जो है कुछ नगरों को ही पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे ऊपर जो है कश्मीर में एक जगह थी मांडा, ठीक है, मांडा जो था कहां था, ये कश्मीर में, और यहां जो नदी थी वो थी चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी के किनारे क्या था, मांडा था। तो ये ऊपरी जो सीमा थी या उत्तर कह लीजिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका जो उत्तर में जो विस्तार था वो कहाँ तक था, चिनाब नदी तक था, और जगह का जो नाम है वो क्या है, मांडा है, ठीक है। अगर हम पश्चिम की बात, पूर्व की बात करें, तो पूर्व में है आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर जो है ये था आपके यूपी में या उत्तर प्रदेश में। तो ये आलमगीरपुर या यूपी में क्या था, ये जगह थी जो कि कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार था, ये यूपी तक था पश्चिमी, और यहाँ जो नदी थी वो मिलती है आपको घग्गर। समझ में तो आ रहा है ना, काफी धीरे में चल रहा हूं, अगर फिर भी किसी को कुछ लगे तो पूछ लीजिएगा ना। देखो ये तो कुछ जगहों के नाम है, तो जगह जैसे जैसे, हाँ जैसे जैसे जगह मिलती गई वैसे वैसे नाम रखे गए है ना, वहां पर कुछ साक्ष्य मिले होंगे, उनको पता करके लगाया होगा कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है, उसकी जगह बाद में जो है किसी की। देखो पहचान के लिए कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ता है, नाम नहीं दोगे तो कैसे पहचान होगी। जैसे आप इस दुनिया में आए हो तो आपको भी तो नाम दिया गया है ना, हाँ हाँ नाम सेम है तो उससे क्या है, एक पहचान तो हो गई ना, नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है ना, डबल नाम हो सकते हैं,
ठीक है। घर पे भी तो एक व्यक्ति के दो दो तीन तीन नाम होते हैं भाई, एक आदमी तो एक ही है, लेकिन घर में फिर भी कोई तो रिंकू कह रहा है, कोई टिंकू कह रहा है, कोई पिंकू कह रहा है ना, नाम तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो है आलंग, ये जो आलमगीर है, यहाँ जो नदी बहती थी उसका नाम है हिंडन, है ना, उसको हिंडन बोलते थे ना, घग्गर अलग है। ठीक है, मुझे डाउट हो रहा था इसलिए मैंने चेक कर लिया। ठीक है, अब जो दक्षिण में था, दक्षिण में मैंने कौन सा बताया था आपको, दैमाबाद बताया था अभी, तो दैमाबाद जो था वो गोदावरी नदी के किनारे था। दैमाबाद ये गोदावरी नदी तक था, ठीक है, गोदावरी नदी तक। पाकिस्तान में हम देखें तो यहां सूत कांगे डोर था, सूत कांगे डोर, सूत कांगे डोर कहाँ था, ये पाकिस्तान का, ये कौन सा हो गया आपका दक्षिणी, ये आपका पश्चिमी और ये आपका पूर्वी, सॉरी ये पश्चिमी होगा वो पूर्व होगा, ठीक है, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, ये दक्षिण है, ये आपका उत्तर है। तो ये त्रिकोण जो है ये क्या करता था, सेप बनाती थी, कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसके अलावा इसके कभी कभी जो है फेमस फेमस जो है कहाँ पर देखो, वहाँ चेनाब थी, यहाँ हिंडन थी, यहाँ जो है आपकी गोदावरी थी, यहाँ जो थी वो दशक, ठीक है, यहाँ पर जो है, या कहीं कहीं दाश्क भी आपको मिल जाएगा ना, दाश्क नदी, ठीक है। ये कुछ जो है आपके इसका विस्तार था, और इसका जो विस्तार है वो लगभग जो है, देखिए पहले जो इसका टाइम पीरियड था वो भी क्या था, कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से माना गया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है नई खोजों के अनुसार कि ये लगभग जो सभ्यता है वो लगभग 8000 वर्ष जो है पुरानी है। पहले इसका जो क्षेत्रफल मापा गया था लगभग 13 लाख था, ठीक है, यानी कि 12,999 ऐसे कुछ क्षेत्रफल था। अब लगभग जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इसको मापा जाता है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका हो गया है नए शोध के अनुसार। क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा जो नगर हैं वो नगरों की जो खुदाई है वो अभी तक भी चल रही है, तो कुछ नए नए जो नगर हैं वो अभी भी खोजे जा रहे हैं। तो अब वर्तमान में कितना कितना हो गया, 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है, पहले जो था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, अब इसके कुछ जगह हैं, जगहों के नाम लिख लीजिए आप। क्यों, कौन सा, अभी लिखेंगे ना, सारे लिखेंगे, बड़े बड़े जो फेमस सिटियां उस समय रही थी, प्रमुख जो शहर उस समय रहे थे उनको सभी को लिखेंगे ना। ऐसा माना जाता है कि लगभग उस समय के जो हैं 6 जो बड़े शहर थे वो बड़े थे, लेकिन जो कुछ छोटे शहर भी उस समय बसा हुआ बसे करते थे ना। बड़े आगे चलिए, अब मैं इनको थोड़ा स्किप कर देता हूँ, इन चीज़ों को हटा देता हूँ, बाकी हम शहरों के बारे में पढ़ेंगे, तो शहरों की लोकेशन जरूर आपको याद रखनी है। तो ये तो आपके जो हैं पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर वाले हो गए। अब इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता के जो बड़े बड़े जो शहर हैं वो कौन कौन से थे उनकी हम बात कर रहे हैं। तो हड़प्पा, क्योंकि देखो अभी वर्तमान का जो भारत है वो मैंने ये वर्तमान के भारत की ये अलग लाइन बनाए रखी हुई है, तो कुछ शहर हमारे क्या थे भारत से बाहर जो मिलते हैं, जैसे अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में जो मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं, तो दो तो यही हो जाएंगे, एक तो हड़प्पा, ये हड़प्पा जो मिलता है ये हमें कहाँ मिलता है, वर्तमान में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, और अगर हम बात करें तो ये भी कौन सा है, पंजाब जो है, पंजाब के दो हिस्से हुए हैं, एक तो भारत वाला पंजाब है और एक पाकिस्तान वाला। जब पंजाब के दो हिस्से हुए थे तो उसको बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो पश्चिम पाकिस्तान वाला कौन सा हिस्सा है आपके, जो पाकिस्तान में वर्तमान में, और जो पूर्वी वाला, पश्चिमी वाला तो कहाँ गया, पाकिस्तान में, और पूर्वी वाला जो है वो भारत में। तो ये जो हड़प्पा साइट मिली है पहली बार वो कहाँ मिली है, पाकिस्तान वाले रीजन में मिली है, जबकि इसी के पास में
जो दो इनों को दो जुड़वा राजधानी बोला जाता है, बाद में मोहनजोदाड़ो को खोजा जाता है ना। एक मिनट, ठीक है, ये थोड़ा नीचे है ना, मोहनजोदाड़ो, ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है ना। दोनों ही साइड जो हैं, पहली बार जो खोजी गई थी वो कौन कौन सी है, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा को किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने 1921 में, उसी के बाद में 1922 में कौन खोजते हैं, राखल दास बनर्जी आते हैं, वो किसको खोजते हैं, मोहनजोदाड़ो को। इसके अलावा राजस्थान वाले क्षेत्र में एक तो राखीगढ़ी है, बनवाली है, नहीं दिख रहा क्या, एक तो राखीगढ़ी बनवाली, ठीक है, गुजरात के लिख लीजिए लोथल रोपड़, ये लोथल जो है ये बंदरगाह होता है, वहां का डॉकयार्ड होता है ना, रोपड़ है ना। और इसके अलावा हम इधर आ जाते हैं, एक और लिख लीजिए, यहाँ सूत कोटदा है ना, इसमें कंफ्यूजन होते हैं, यहाँ सूत कांगे डोर है और गुजरात में मिलेगा आपको सूत कोटदा। अब यहाँ जगह तो थोड़ा है नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ नीचे, सूत कोटदा, ठीक है, वहां सूत कांगे डोर हैं, जबकि सूत कोटदा कहाँ है आपके, गुजरात वाले क्षेत्र में है ना। एक है धोलावीरा, ये भी गुजरात में ही है, ठीक है, धोला वीरा। अगला है चुंदूदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। एक है कोट दीजी, ठीक है, इन पे हम आगे पढ़ेंगे कि इन क्षेत्रों से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या यहाँ अवशेष मिले हैं, उनको हम बाद में आगे की क्लास में देखेंगे। आप आज केवल आप जगहों के नाम ही याद करके आइएगा, फिर कल जो है इसको अच्छे से क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है कुछ समय उस समय के क्या थे, कुछ स्थल है ना। अब इन स्थलों के चक्कर में आप इनको याद मत भूल जाना ना, ये आपका जो है पश्चिमी क्षेत्र का है, ये पूर्वी है, ये दक्षिणी है, ये उत्तरी है ना। बाकी जो है बड़े बड़े जो क्षेत्र थे उस समय के, छह जो है महान नगर उसमें, कोट दीजी, कोट दीजी, दीजी दादावाज वाला, हाँ कोट दीजी।